मेरा नाम मुकेश जैन है, नूतन कोणार्क सूर्य मंदिर निर्माण शाला का मैं अध्यक्ष हूँ। तहसीलदार बार बार मंदिर तोड़ रहा है, इसके लिए क्या बताएंगे? देखिए, हमें बहुत दुख हुए जिस दिन तहसीलदार ने तीसरी बार हमारा मंदिर तोड़ा। उस रात हम बहुत दुखी हुआ, खाना भी नहीं खाया, सो भी नहीं सका। मतलब इस तरह का अत्याचार, अन्याय मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा कि एक तहसीलदार जिससे भूमि मांगी जा रही है मंदिर के लिए, एक साल से भूमि हमको नहीं दे रहा है, किंतु जहाँ भी जब गांव का लोग हमको ज़मीन देता है, मंदिर के नाम पर लिखकर ज़मीन देता है, उस मंदिर को वो तोड़ देता है। और इसी खाता नंबर पर दूसरे मकान बने हुए हैं, उनसे पता नहीं क्या दोस्ती है तहसीलदार का, मेरी समझ से बाहर है कि उनको छूता नहीं है, मंदिर से क्या दुश्मनी है। एक काला पहाड़ था, उसने मंदिर तोड़ा था, आज दूसरी बार हमारे मंदिर को तीन तीन बार तोड़ा जा रहा है। और तहसीलदार शेख सगीर का ये व्यवहार उचित नहीं है, ये बिल्कुल सर्वथा अनुचित व्यवहार है। मैं नहीं चाहता कि इस तरह का व्यवहार मंदिर के साथ किया जाना चाहिए। मंदिर बनाने का हक, पूजा अर्चना करने का हक संविधान ने हम सब भारतीयों को दिया है। कोई शेख सगीर यदि मंदिर से नफरत करता है या मंदिर के प्रति गलत धारणा रखता है तो संविधान उसको, भारत की सरकार उसको अधिकार नहीं देती है। मेरा शेख सगीर साहब से, तहसीलदार साहब से ये विनम्र अनुरोध है कि वो मंदिर निर्माण में सहयोग करें। ठीक है, मंदिर निर्माण इस्लाम के खिलाफ हो सकता है, किंतु भारत का जो संविधान है वो मंदिर निर्माण की इजाज़त देता है। सभी लोगों को अपने धर्म के अनुसार आचरण करने का, अपने धर्म को अबाध रूप से मानने का अधिकार भारतीय संविधान में मिला है। शेख सगीर साहब को भारतीय संविधान का पालन करना चाहिए, भारत सरकार के आदेशों का पालन करना चाहिए। और जो मंदिर को तीसरी बार तोड़ रहे हैं वो बहुत सर्वथा अनुचित है। नूतन कोणार्क सूर्य मंदिर निर्माण शाला और कोणार्क के सभी लोग यहाँ पर आए आज, उन सब लोगों ने इसकी बहुत भर्त्सना की है। मेरा तहसीलदार साहब से अनुरोध है कि वो मंदिर के लिए ज़मीन दे और जो मंदिर तोड़ा गया है उस मंदिर का पुनर्निर्माण अपने खर्चे पर करवाएं, अपनी जेब के खर्चे से कराएं, तभी सूर्य भगवान उनको क्षमा कर पाएगा। मंदिर तोड़ रहा है इसलिए क्या बताएंगे कलेक्टर साहब? मैं ये तो पूछना चाह रहा हूँ कि बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना, हमारे मंदिर के बराबर में तीन तीन तल्ला बिल्डिंग बना हुआ है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग। हमारा तो मंदिर बहुत छोटा था, झोपड़ी नुमा था, उसको तोड़ रहा है। और ये मतलब सोचने से बाहर है, इसकी जाँच होनी चाहिए कि ऐसा व्यवहार तहसीलदार साहब क्यों कर रहे हैं हमारे साथ। ये मतलब बहुत गलत आचरण हो रहा है तहसीलदार साहब का। हमने उनसे मिले भी थे, कहे भी थे, बोले हम तुमको जेल भेज देंगे, तुमने मंदिर बनाया तो। बोले हम मंदिर तुम दिल्ली में बनाओ जाके। अरे कोणार्क में भगवान जगन्नाथ का आदेश हमको मंदिर बनाने के लिए हुआ है, हम कोणार्क में मंदिर नहीं बनाएगा तो सूर्य भगवान का मंदिर क्या दिल्ली में बनाएगा? ये तो सबसे सिद्ध भूमि है। और किसने सिद्ध भूमि घोषित किया है? ये भगवान जगन्नाथ ने तय किया है, भगवान श्री कृष्ण ने तय किया है, उसने तीनों लोगों के सामने तय किया है कि ये सूर्य उपासना का सबसे बड़ा तीर्थ क्षेत्र है। अपने बेटे शाम को उन्होंने यहीं पर भेजा है मैत्रेय वन में। तो इस तरह का मंदिर के प्रति इस तरह का दृष्टिकोण रखना सर्वथा अनुचित है। और हम सब इसकी, कोणार्कवासी इसकी भर्त्सना करते हैं और तहसीलदार से अपील करते हैं कि वो अपने हाथों से जो मंदिर तोड़ा है वो दोबारा बनवाए।